गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी परफॉर्म द नेक्स्ट प्रैक्टिकल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। हमारे पास सैंपल है, एक सैंपल ए है और ये सैंपल हमारे पास में बी है। दोनों सैंपल को देखेंगे कि ये सैंपल कैसे हैं, पॉलीसेक्राइड हैं, मोनोसेक्राइड हैं, डाइसेक्राइड हैं, इसको हम जज करते हैं। कैसे पता लगेगा इसके लिए हम पहले टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए पहले हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे। अगर वो डिजॉल्व हो जाता है तो वो पॉलीसेक्राइड, अगर नहीं होता है तो वो मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड होगा। ठीक है, तो सैंपल ए और सैंपल बी को हम डिजॉल्व करेंगे, उससे पता आएंगे ये पहले पॉलीसेक्राइड है या फिर डाइसेक्राइड या मोनोसेक्राइड है। तो पहले सैंपल ए लिया और इसको हमने डिजॉल्व कर दिया, और सर ये सैंपल बी ले रहे हैं और ये वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं। अब हम डिजॉल्व करते हैं विद हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। ये देखिए सॉल्यूशन जो है पूरी तरह वो डिजॉल्व हो चुका है। मेरा तो सॉल्यूशन पूरी तरह डिजॉल्व हो गया। इसका मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट था वो आपका पॉलीसेक्राइड नहीं है, मोनोसेक्राइड या फिर डाइसेक्राइड हो सकते हैं। और मुझे दिख रहा है शायद सर का भी सोल्यूशन पूरा डिजॉल्व हो रहा है, ये भी आसानी डिजॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी सोल्यूशन आपका मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया कि बोथ ऑफ सोल्यूशन आर नॉट ए पॉलीसेक्राइड, ये मोनोसेक्राइड हो सकते हैं या डाइसेक्राइड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब का थोड़ा सा डिजॉल्व होने में रह गया है, लगभग पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद डिजॉल्व पूरा हो चुका है। अब हम देखेंगे ये मोनोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है, इसको पता करने के लिए हम दो टेस्ट परफॉर्म करेंगे, एक फिलिंग टेस्ट करेंगे और दूसरा बेंडिंग टेस्ट। फिलिंग टेस्ट करने के लिए हमें बेंडिंग टेस्ट करेंगे, बेंडिंग एजेंट हमारे पास में है और बेंडिंग एजेंट हमने निकाल रखा है। और फिलिंग टेस्ट करेंगे, फिलिंग सॉल्यूशन ए है और ये फिलिंग सॉल्यूशन हमारे पास बी है, बी और ए दोनों सॉल्यूशन है। तो पहले हम परफॉर्म करते हैं सैंपल ए का टेस्ट। सैंपल ए का टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम पहले सैंपल ए लेंगे, ग्लास पीपेट की हेल्प से हम 2 ml सैंपल विड्रॉ करेंगे और टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। ये डाल दिया। अब इसके बाद हमें फिलिंग टेस्ट करना है, तो फिलिंग रिएजेंट्स ए को हम 2 ml लेंगे विद द हेल्प ऑफ पीपेट। 2 ml हमने मेजर किया और इसको हमने जो सॉल्यूशन हमने लिया था सैंपल का उसी में हमने ऐड कर दिया 2 ml फिलिंग सॉल्यूशन ए। अब हम फिलिंग सॉल्यूशन बी लेते हैं, इसको भी हम 2 ml लेंगे और 2 ml लेकर विद हेल्प ऑफ पीपेट लेंगे और लेने के बाद उसे हम उसी पीपेट के हेल्प से लेकर 2 ml उसी टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देंगे जिसमें सॉल्यूशन हमारा पहले से प्रेजेंट है। अब इस टेस्ट ट्यूब में फिलिंग सॉल्यूशन ए एंड फिलिंग सॉल्यूशन दो बी, वो भी हो गया और साथ में हमारा कार्बोहाइड्रेट का सैंपल भी हो गया 2 ml। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए सॉल्यूशन बनके तैयार हो चुका है। अब इसे हमें हीट करना होगा, हीट करके पता कर पाएंगे इसमें कलर चेंज होता है या नहीं होता है। कलर चेंज होगा तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगी, अगर नहीं होता है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो आइए अब इसे हीट करते हैं, हीट करने के बाद देखेंगे सैंपल ए कैसा है। चलिए हीट करते हैं। हीट करने के लिए हम पहले बर्नर को जलाएंगे और जलाने के बाद ऐसे हीट कर रहे हैं। अब हीट करते हुए देखते हैं इसमें कलर चेंज होता है या नहीं होता है। लगभग 2 मिनट तक इसे हीट करेंगे, बॉईल करेंगे सॉल्यूशन के लिए। देखिए हम बॉईल कर रहे हैं और लग रहा है कि कलर चेंज अभी तक तो नहीं हुआ है।
लग रहा है कलर चेंज नहीं होगा, तो मुझे लगता है ये सोल्यूशन जो है, जो हमारा जो सैंपल था वो आपके रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अगर रिड्यूसिंग शुगर होती तो इसका कलर जरूर चेंज हो जाता। कलर चेंज नहीं हुआ है, इट्स मीन्स इट इज ए रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हो सकता है ये आपका सुक्रोज का सोल्यूशन हो, प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। हाँ, तो अब ये हम नेक्स्ट जो टेस्ट है हमारे पास में बेंडिक टेस्ट, उसको करेंगे। उसके लिए हमने फिर सैंपल लिया अपना, सैंपल ले सोल्यूशन लिया, 3 ml सोल्यूशन लिया, हमने टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद जो 3 ml सैंपल लिया है उसको, जो 3 ml पूरा सैंपल नहीं हुआ अभी, वो 3 ml सैंपल हमने पूरा ट्रांसफ़र कर लिया इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब हम बेंडिक टेस्ट करेंगे। बेंडिक रिएजेंट हमने ऑलरेडी 5 ml हमने निकाल रखा है वीगर के अंदर, वो मेजिंग सिलेंडर के अंदर। अब इसे हम ऐड कर देते हैं उसी टेस्ट ट्यूब में, जिस टेस्ट ट्यूब में हमने सॉल्यूशन को ऐड किया है सैंपल ए सॉल्यूशन के लिए। बेंडिक रिएजेंट को हमने ऐड कर दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद इसे भी हमें हीट करना पड़ेगा, कुछ 2 मिनट के लिए बॉयल करेंगे, और बॉयल करने के बाद देखेंगे इसमें क्या कलर में चेंजिंग आती है। तो देखिए, अब बॉयल करने जा रहे हैं हम इसे, बर्नर पर बॉयल करते हैं। देखिए, अभी तक तो कोई कलर में चेंज हुआ नहीं है, अभी 2 मिनट और 1 मिनट और लगभग रह गया, देखें क्या रहता है इसमें। इसमें कोई कलर चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो कलर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो शुगर है या कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन है वो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये रिड्यूसिंग नहीं है। हो सकता है ये आपका जो हो सुक्रोज का सॉल्यूशन हो। ठीक है, अब हम सैंपल बी लेते हैं। सैंपल ए का तो कंफर्म हो गया कि वो आपका रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। सैंपल बी को भी हमने क्या किया, पहले टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र किया लगभग 2 ml में की, क्योंकि इसको हम पहले क्या करेंगे, फेलिंग रिएजेंट्स का टेस्ट करेंगे। तो फेलिंग रिएजेंट्स हमने पहले लिया ए फेलिंग रिएजेंट्स, ए सॉल्यूशन लिया 2 ml, और उसी टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिया जिस टेस्ट ट्यूब में हमारा सैंपल बी सॉल्यूशन है। देन हमने फेलिंग रिएजेंट्स फेलिंग सॉल्यूशन बी लिया 2 ml, इसको भी ऐड किया हमने टेस्ट ट्यूब में। तो इस तरीके से हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ml सैंपल बी सॉल्यूशंस, फेलिंग ए सॉल्यूशन 2 ml और फेलिंग बी सॉल्यूशन का मिक्सर पहुँच चुका है। अब इस सॉल्यूशन को, पूरे मिक्सर को हम हीट करेंगे। आप देखते हैं हीट करने पर कलर चेंज होता है या नहीं होता है, जस्ट वेट कीजिए। देखिए, हल्का ये कलर चेंज हो रहा है, आपको ब्रिक रेड कलर का दिखने लगा हुआ, ब्लू से ब्रिक रेड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन जो है वो आपका रिड्यूसिंग शुगर है। दिस इज अ पॉजिटिव टेस्ट, यानी कि सैंपल ए हमारा क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। अब हम इसी का कंफर्मेशन करने के लिए दूसरा टेस्ट करेंगे, बेंडिक टेस्ट, किसका, सैंपल नंबर बी का। हमने क्या किया, 3 ml सैंपल बी सॉल्यूशन लिया और इसको हम पहले टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। अब जो हमने रिएजेंट बेंडिक रिएजेंट 5 ml कर रखा है मेजरिंग में, वो हमने ऐड कर देते हैं इसी सॉल्यूशन के अंदर, और हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 ml सैंपल बी सॉल्यूशन और साथ में बेंडिक रिएजेंट 5 ml प्रेजेंट है। दोनों का मिक्सचर मिलकर तैयार है। अब इसे हम हीट करेंगे, हीट करने पर देखते हैं कलर में क्या चेंजिंग होती है। इसे बर्नर पर हम हीट करते हैं 2 मिनट तक। देखिए, 2 मिनट हीट कर रहे हैं तो उसमें कुछ कलर चेंजिंग होने लगा है, तो इसमें भी कुछ कलर चेंज हुआ। अब देख रहे हैं कुछ ग्रीनिश कलर आना शुरू हो गया है, हल्का हल्का ग्रीनिश कलर आ रहा है। ग्रीनिश टू रेड कलर होने हो रहा है, ग्रीनिश टू रेड हो रहा है,
यानी क्लोराइड चेंज हुआ, यानी कि ये भी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। अब आप देखिए, ये आपके सामने तीनों सैंपल रिएजेंट रखे हुए हैं, इतना में ये जो रखे हुए सैंपल ए है, सैंपल ए में कोई कलर चेंज नहीं हुआ है, और सैंपल बी में कलर चेंज हुआ है। सैंपल ए में जो फेलिंग टेस्ट था उसमें भी नेगेटिव रिपोर्ट आई, और जो पेंडिंग टेस्ट था उसका नेगेटिव रिपोर्ट आई, यानी कि ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर थी। और सैंपल जो बी था उसका देखिएगा, जो सोल्यूशन है सैंपल बी, ये तो आपका सी ए हो गया सैंपल बी। सैंपल बी में आप देख रहे हैं कि दोनों ही जो हैं कलर चेंज हुए हैं, चाहे वो बेंडिंग रिएजेंट हो या है आपका फेलिंग सोल्यूशन का रिएजेंट हो, दोनों ही कलर चेंज हुए हैं। इसका मतलब क्या है, जो सैंपल बी है ये कन्फर्म होता है कि सैंपल बी रिड्यूसिंग शुगर है, और सैंपल जो ए था वो आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में बेसिकली हो सकता है ये सुक्रोज हो, और जो हमारा रिड्यूसिंग शुगर है जो सैंपल बी था वो हो सकता है ग्लूकोज हो, और माल्टोज भी हो सकता है। माल्टोज ग्लूकोज बोथ आर क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल मिलेंगे आप लोगों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।